हे गाइज वेलकम टू एजुडाइट। आज हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू और 50-55 क्वेश्चंस करेंगे तकरीबन सिर्फ 10 मिनट में, और इसके बाद आपको प्रेसिडेंट भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइज, उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं पहले वन लाइनर से। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट वॉज अडोप्टेड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया था प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट? यूएसए से, अमेरिका से। नेक्स्ट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम, मेथड ऑफ इलेक्शन आपको पता ही है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये कहाँ से लिया गया था कॉन्सेप्ट? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स पावर्स टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेज इन सर्टेन केसेज। क्या होता है कि कुछ केसेज में प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो किसी को अगर सज़ा मिली है तो वो उस सज़ा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कुछ मैटर्स पर एडवाइस कर सकते हैं, ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे, मतलब प्रदान करेंगे, वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। क्या होता है कि जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा होता, प्रेसिडेंट तब भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है। क्या होता है कि गवर्नर को बिल्स पास करने का वो होता है अधिकार, बट कुछ बिल्स उन्हें फिर भी, स्टेट के भी कुछ बिल्स प्रेसिडेंट के लिए उन्हें रिजर्व रखने पड़ते हैं, जिन पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही साइन करेंगे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट इन केस ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी लगा था आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल जिसे कहते हैं, कि अगर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो फेलियर हो गया तो प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट इज़ अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर का? आर्टिकल 60। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वोटिंग इज़ यूज इन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन? इट इज़ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब जो व्यक्ति अपनी जितने ज़्यादा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वोट की उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ये प्रेजिडेंट के, जो वोटिंग होती है इसमें इनडायरेक्ट होती है। नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इंक्लूड्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये लोग इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय, प्रेसिडेंट को कौन हटा सकते हैं? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर प्रेसिडेंट इज 35 साल की एज मिनिमम चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज सबको पता है 5 लाख पर मंथ, कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन टू, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस, CJI जो होते हैं इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने ली जाती है। नेक्स्ट, हाउ, जो प्रेसिडेंट की शपथ होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट 12 मेंबर तो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, और ये जो 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, 2019 दिसंबर 2019 से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला था कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ कोई भी हो डिफेंस फोर्सेज का, बट प्रेसिडेंट इस पावर में होता है कि वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट, हु हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस, 2 बार कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, डिस्प्यूट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सोल्व बाय, कौन सोल्व करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के झगड़ों में को? सुप्रीम कोर्ट सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट, पावर टू पार्डन सस्पेंड रिमिट द सेंटेंस ऑफ कॉन्विक्टेड पर्सन इज गिवन टू, ये अभी डिस्कस किया हमने, प्रेसिडेंट के पास होती है पावर। नेक्स्ट,
द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड वाज एनएस रेड्डी थे, जो अनअपोज्ड इलेक्ट किए गए थे. नेक्स्ट, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया. स्टेट इन इंडिया मतलब कंट्री ऑफ इंडिया. कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर गिव्स रेजिग्नेशन टू, किनको देते हैं रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कब डिसमिस कर सकते हैं? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे. नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, कौन करते हैं अटॉर्नी जनरल को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, हु सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मतलब कोई मेंबर पार्लियामेंट का मेंबर होने के लायक है या नहीं है, प्रेसिडेंट इन झगड़ों को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट इज 12, अभी डिस्कस किया हमने. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट. सिर्फ एक बार ये मनी बिल को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब बिना पास करे वापस भेज सकते हैं. नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट अपॉइंट, किसको अपॉइंट नहीं करते? स्पीकर ऑफ लोकसभा को, बिकॉज स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. ठीक है. नेक्स्ट, अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर को कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर स्टेट के. नेक्स्ट, गवर्नर कैन बी डिसमिस्ड बाय, गवर्नर को डिसमिस भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के. नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड बाय, रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को. नेक्स्ट, टू हूम जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट को देते हैं अपना जो रेजिग्नेशन होता है. नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस की जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसको प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन टेक द एडवाइस ऑफ विच कोर्ट, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत. ये इसका अगला ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट, हुम डज अ हाई कोर्ट जज गिव हिज रेजिग्नेशन, हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट को देते हैं रेजिग्नेशन. याद रखना गाइस, गवर्नर को नहीं देते, प्रेसिडेंट को देते हैं. नेक्स्ट, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, हु कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल मैटर में फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस दे सकती है. नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ UPSC इज अपॉइंटेड, और उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ UPSC इज सबमिटेड टू, UPSC की एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है UPSC. नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ UPSC कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशन टू UPSC के मेंबर्स, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज पॉकेट वीटो रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, पॉकेट वीटो क्या होती है? अब प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल फॉर एन इनफाइनाइट टाइम, प्रेसिडेंट बिना पास किए अपने पास बिल को रख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम तक. नेक्स्ट, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट कमांडर, ये सेकंड शेड्यूल और पार्ट ए के अंतर्गत आते हैं, सेकंड शेड्यूल के पार्ट ए के अंतर्गत सैलरी जो होती है प्रेसिडेंट की. नेक्स्ट, हु कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द प्रो टाइम स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं. प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? जब तक एक परमानेंट स्पीकर अपॉइंट नहीं कर लिए जाते नई लोकसभा बनने पर, तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर सर्व एज स्पीकर ऑफ लोकसभा. नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको एडमिनिस्टर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनकी ओथ को भी. नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को कौन? प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु हैज़ द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे जो कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे और पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था? अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, तो गाइज इसी तरह हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. और ये रामबाण तरीका है पढ़ने का, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं, और प्लस आप क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहती है. तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, बिकॉज हमें 1000 सब्सक्राइबर करने हैं पूरे, ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो सके और हम आप लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही कवर करा सकें. तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही.